मनोरंजन उद्योग में रिश्ते बहुत नाजुक हैं। कुछ जोड़े सालों की शादी के बाद अलग हो गए हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी साथ हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं आदित्य पंचोली और जरीना वहाब की प्रेम कहानी। तो आइए जानते हैं इनकी प्रेम कहानी के बारे में। 4 जनवरी 1965 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे आदित्य पंचोली के पिता बॉलीवुड में फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने कभी एक्टिंग करने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि एक निर्देशक ने उन्हें मुंबई की लोकल ट्रेन में देखा और उनके लुक से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें एक टीवी सीरियल में भूमिका की पेशकश की। उसके बाद आदित्य पंचोली ने कई फिल्मों और टीवी शो में अभिनय, निर्देशन और फिल्म निर्माण का कार्य किया। वहीं उनकी पत्नी जरीना वहाब का जन्म 17 जुलाई 1959 को विशाखापत्तनम में हुआ था। वह हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती थीं। जरीना वहाब ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII से पढ़ाई की। उन्हें फिल्में पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ी क्योंकि महान फिल्म निर्माता राज कपूर के पास उनके तौर तरीकों के बारे में कहने के लिए अच्छी बातें नहीं थीं। बाद में उन्हें कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अच्छे रोल मिले। 1986 में आदित्य की मुलाकात जरीना से उनकी 5वीं फिल्म कलंक का टीका के सेट पर हुई थी। कोई नहीं जानता कि उनकी कहानी कैसे शुरू हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब फिल्म की शूटिंग का शेड्यूल खत्म हुआ तो यह जोड़ी एक दूसरे के प्यार में पागल हो गई थी। फिल्म रिलीज होने के बाद 1986 के अंत तक दोनों सितारे शादी के बंधन में बंध गए। जरीना वहाब ने कहा कि आदित्य से शादी करना उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। इस जोड़े का एक बेटा सूरज पंचोली और एक बेटी सना पंचोली हैं। आज दोनों कपल अपने वैवाहिक जीवन में काफी खुश हैं।